हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मूवी के पहले सीन में हम काय नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि जंगल में बेहोश पड़ा था। दरअसल काय के फादर एक ब्रिटिश थे, वही मदर जापानीज, और वो एक अनवांटेड चाइल्ड था, इसलिए उसकी मोम ने उसे जंगल में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद उसे वहाँ के कुछ डीमंस ने पाला और अपनी मैजिकल पावर सिखाई। मगर कुछ सालों बाद जब काय बड़ा हुआ तो वो उन डीमंस के पास से भाग आया और काफी दूर तक सफर करने की वजह से ही वो बेहोश पड़ा था। तभी उस स्टेट के किंग लॉर्ड असानो अपने समुराई के साथ कहीं जा रहे थे, जिसके दौरान उनमें से एक समुराई ओइशी की नज़र काय पर पड़ती है, इसलिए वो उसके पास जाता है। मगर उसके सर पर डीमंस का निशान देखकर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर असानो वहां आकर ओइशी को रोकता है। फिर असानो उसे अपने घर ले जाता है, मगर काय एक डीमन था इसलिए बाकी लोग उनके इस फैसले से खुश नहीं होते, लेकिन उनकी बेटी मीका को काय एक अच्छा इंसान लगता है, इसलिए धीरे धीरे दोनों में अंडरस्टैंडिंग जाती है। वही अब मूवी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है, जहां काय, असानो, ओइशी और बाकी समुराई एक क्रीचर को मारने जंगल में जाते हैं। वो क्रीचर सभी समुराई पर भारी पड़ता है, जिसके दौरान वो एक समुराई को मारने ही वाला था कि तभी काय अपनी स्किल से उस क्रीचर को मार देता है। मगर समुराई को काय से हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता, वो कहता है कि किसी डीमन की हेल्प लेने से अच्छा होता वो जानवर मुझे मार देता। इसी दरमियान असानो और बाकी समुराई जब वहाँ आते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उस क्रीचर को काय ने नहीं बल्कि उस समुराई ने मारा है, जिसके बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी काय की नज़र एक फॉक्स पर पड़ती है, जिसकी एक आंख ब्लू थी और दूसरी ब्राउन। काय को उसे देखकर थोड़ा शक होता है, मगर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। सीन अब लॉर्ड किरा की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि लॉर्ड असानो का एक राइवल था। असल में किरा असानो के स्टेट पर कब्जा करना चाहता था, जिसमे एक विच भी उसके साथ होती है। दरअसल जंगल में जो फॉक्स थी वो कोई और नहीं बल्कि वही विच थी, और उस क्रीचर को भी विच ने ही जंगल में भेजा था ताकि वो असानो को मार सके। वही अब हम मीका को देख हैं, जो कि अपने फोर्ट को डेकोरेट करवा रही थी। दरअसल कुछ दिनों बाद असानो के स्टेट में शो गनाने वाला था, इसलिए असानो ने उसके एंटरटेनमेंट के लिए एक फाइट रखवाई थी, जिसमें असानो और किरा के समुराई लड़ने वाले थे, इसीलिए वहाँ तैयारियां चल रही होती है। उसी रात मीका काय के पास जाती है और उसे देख कर वो समझ जाती है कि जंगल में काय ने ही उस क्रीचर को मारा था, इसलिए मीका उसके घाव की शिकायत करती है। मगर तभी काय उसे अपने फोर्ट जाने के लिए कहता है। वही कुछ दिन बाद शोगन और किरा अपने समुराई और कुछ खास लोगों के साथ असानो के स्टेट में आते हैं, जहां सभी मिलकर उसका वेलकम करते हैं। तभी काय की नज़र उस बीच पर पड़ती है, जिसकी आंख देखकर वो समझ जाता है कि वो एक बीच है, इसलिए वो ओइशी को ये सब बताने जाता है। मगर ओइशी उसका मजाक उड़ाता है कि एक डीमन को ही बीच की पहचान होती है। अगले दिन जब दोनों स्टेट के समुराई लड़ने वाले थे तो बीच असानो के समुराई को पैरालाइज्ड कर देती है, जिस कारण काय किरा के समुराई से लड़ने जाता है, मगर जल्दी उसकी पोल खुल जाती है, जिसके बाद शोगन बिना कुछ जाने ही काय को सजा देता है। उसी रात विच किरा को बताती है कि असानो को मारने का यही सही मौका है, जिसके बाद वो असानो को हेलुसिनेट कर देती है, जिससे उसे लगता है कि किरा उसकी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है, इसलिए असानो किरा को मारने के लिए उसके रूम में जाता है। और जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे एहसास होता है कि ये सब बस उसका एक वहम था। इसके कुछ देर बाद शोगन को जब इसकी खबर मिलती है तो वो बिना कुछ जाने ही असानो को मौत की सजा सुना देता है। वही अब असानो ओइशी के पास जाता है, तब ओइशी उसे बताता है कि ये सब किला की एक चाल थी। ये जानकर भी असानो शोगन के फैसले के अगेंस्ट नहीं जाता और वो ओइशी से प्रॉमिस लेता है कि वो हमेशा अपने स्टेट और मीका को सेफ रखेगा। अगले दिन असानो की मौत हो जाती है, जिसके बाद शोगन फैसला लेता है कि एक साल बाद मीका की शादी किरा से होगी और इसलिए किरा वहाँ का नया किंग बन जाता है। साथ ही शोगन ओइशी को कहता है कि तुम किंग असानो की मौत का बदला नहीं ले सकते, और क्योंकि किरा और असानो के बीच फाइट होती रहती थी, इसलिए शोगन को लगता है कि ओइशी बिना कोई सबूत के ही किरा से अपने किंग की मौत का बदला लेगा। इसके कुछ देर बाद शोगन जब अपने स्टेट वापस चला जाता है तो किरा असानो के सभी समुराई को स्टेट से बाहर निकलवा देता है, लेकिन ओइशी को वो अपने जेल में कैद करवा देता है ताकि उन बाकी समुराई का पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाए और वो कभी किरा से बदला ना ले सके। इसी के साथ मूवी एक साल आगे शिफ्ट होती है और अब ओइशी को जेल से आजाद करके उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसी रात ओइशी को पता चलता है कि उसके जेल में जाने के बाद स्टेट में क्या क्या हुआ। तभी वो काय के बारे में पूछता है, जिस पर उसका बेटा चिकारा उसे बताता है कि किरा ने उसे कुछ डीमंस को बेच दिया था, इसीलिए ओइशी उसे लाने वहाँ जाता है। लेकिन उस वक्त काय किसी डीमन से लड़ रहा था, जिसके दरमियान ओइशी उसके पास जाता है, मगर काय को कुछ याद नहीं होता, जिस कारण वो ओइशी पर ही हमला करने लगता है। कुछ देर बाद ओइशी काफी मुश्किलों के बाद काय को सब याद दिला देता है, और जब वो दोनों उस जगह से निकल रहे थे तो इस दौरान सभी डीमंस उन पर हमला करने लगते हैं, मगर जैसे तैसे दोनों वहाँ से निकल आते हैं। वही अब किरा को पता चल जाता है
कि काय वहाँ से भाग चुका है। अगली सुबह दोनों बाकी समुराय के पास जाते हैं और ओइसी सबको बताता है कि उन्हें असानो की मौत का बदला लेना है, मगर उनके पास कोई हथियार नहीं था, जिस कारण काय ओइसी को बताता है कि वो एक जगह जानता है जहाँ खास तरह की तलवारें मिलती है। और जब काय उस जगह का नाम लेता है तो ओइसी उसे कहता है कि वो जगह बस कहानियों में है। दरअसल काय जिस जगह का नाम लेता है वो एक मैजिकल जगह थी और काय को वही के डीमंस ने पाला था, इसलिए उसे पता था कि वो बस एक कहानी नहीं बल्कि सच है। इसलिए अगले दिन सभी तलवार लेने वहाँ जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही काय सिर्फ ओइसी को अपने साथ गुफा में ले जाता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी तलवार मत निकालना। जिसके बाद काय तलवार लेने की परमिशन के लिए अपने मास्टर के पास जाता है, जहाँ मास्टर उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे पहले तलवार को टच कर लिया तो तुम इसे ले जा सकते हो। इसलिए यहाँ काय और वहाँ ओइसी दोनों की एबिलिटीज चेक करी जाती है। दरअसल ओइसी को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी तलवार निकाले। उसे हेलुसिनेट किया जाता है जिसे उसे लगता है कि वहाँ के डीमन सभी समुराय को मार रहे हैं, मगर ओइसी अपने आप पर कंट्रोल रखता है और वो तलवार नहीं निकालता। वहीं काय भी अपने मास्टर से पहले उस तलवार को टच कर लेता है, जिससे दोनों अपने अपने टेस्ट में पास हो जाते हैं और सभी तलवारें उन्हें मिल जाती है। इसीलिए सब अपने ठिकाने पर वापस जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद उन्हें खबर मिलती है कि किला एक पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जा रहा है, जिस वजह से ओइसी सभी के साथ उसे मारने के लिए मंदिर जाता है। मगर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये किला का एक प्लान था। दरअसल किला उस मंदिर में आया ही नहीं, ये सब उस बीच का प्लान था और वही किला के कपड़ों में उस मंदिर में मौजूद थी, जिसके बाद वो अपने ब्लैक मैजिक से वहाँ आग लगा देती है जिससे कुछ समुराय मारे जाते हैं। मगर विच को लगता है कि ओइसी और बाकी सभी समुराय भी अब मर चुके हैं और विच किला को भी यही बताती है कि सभी समुराय मारे गए, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। सीन अब ओइसी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि उस हादसे की वजह से थोड़ा डिप्रेस्ड था। तभी काय उसे समझाता है कि हम अब भी किला को मार सकते हैं। अगली सुबह काय कुछ लोगों को किला के पोर्ट की तरफ जाते देखता है, इसलिए वो ओइसी को बुलाता है, जिसके बाद सभी उन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं। दरअसल वो लोग किला की शादी में फंक्शन करने वाले थे, इसीलिए ओइसी प्लान बनाता है कि उन लोगों की हेल्प से वो सभी फोर्ट में घुसेंगे और किला को मार देंगे। उसी रात प्लान के मुताबिक काय, ओइसी और कुछ समुराय उन लोगों के साथ फोर्ट में घुस जाते हैं और परफॉर्मेंस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के समुराय बड़ी ही चालाकी से किला के सोल्जर्स को मार रहे थे, मगर कुछ ही देर बाद सभी की पोल खुल जाती है और सभी में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन किला लड़ने की बजाय अपने सोल्जर्स के सहारे वहाँ से बचकर निकल रहा होता है। वहीं मिका और काय की भी अब मुलाकात हो जाती है, मगर तभी विच वहाँ आ जाती है। दूसरी ओर ओइसी भी किला के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ विच खुद को एक ड्रैगन में चेंज करके काय से फाइट करती है और काय भी उसका सामना करता है। कुछ देर बाद काय उसे आखिर में अपनी पावर से मार देता है। वहीं ओइसी भी किला का सर काट देता है और उसके सर को सोल्जर्स को दिखाता है, जिससे किला के सोल्जर्स को हार माननी पड़ती है। अगली सुबह सभी असानो की ग्रेव पर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मौत का बदला लिया जा चुका है। इसी के साथ सीन फोर्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ सोगन सभी समुराय को जान से मारने की बात करता है, क्योंकि उन्होंने उसके आदेश के खिलाफ जाकर अपने किंग की मौत का बदला लिया था, लेकिन समुराय ने अपने किंग की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। इसलिए सोगन उन्हें खुद अपनी जान लेने को कहता है ताकि सभी को एक रिस्पेक्टफुल मौत मिले। इसके बाद काय मिका के पास जाता है और कहता है कि इस जन्म में हम एक नहीं हो सके, पर अगले जन्म में हम एक होंगे। अगले दिन सभी समुराय खुद को एक रिस्पेक्टफुल मौत देने के लिए बैठे होते हैं। तभी शोगन ओइसी के बेटे चिकारा को माफ कर देता है ताकि वो अपने स्टेट की रक्षा कर सके, ठीक उसी तरह जैसे ओइसी करता था। इसके बाद सभी समुराय खुद ही जान ले लेते हैं। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म।